हेलो फ्रेंड्स, आज हम अफ़गानी सलवार की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। कटिंग मैंने पहले से ही कर रखी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको पेपर में समझा दूँगी। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कटिंग मैंने की हुई है, आपको थोड़ा सा पेपर में समझा देती हूँ, ठीक है। ये जैसे मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है, तो इसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करना है, ठीक है। ये मैंने 4 फोल्ड कर दिया। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। 37 इंच की लेंथ है, मोरी है 6.5 इंच की, और हमने जो घेरा रखा है 15 इंच का है, और आसन मेरा 12 इंच का है, ठीक है। तो ऊपर से मैंने 2.5 इंच छोड़ना है बेल्ट के लिए, 3 इंच छोड़ूंगी, और नीचे से भी मैंने 2.5 इंच का पोंचा छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसकी लेंथ ले ली है 33 इंच की, ठीक है। तो पोंचा मैंने 6.5 इंच लिया है, और जो एक्स्ट्रा रखा है मैंने कपड़ा 10 इंच रखा है। यहाँ से घेरा मैं 15 इंच लूँगी, ठीक है। यहाँ से मैंने 15 इंच लिया, और जो इसका आसन हमने लेना है वो लेना है 12 इंच का। 12 इंच का मैंने आसन लिया, और यहाँ से मैंने इस तरीके से गुलाई शेप में इसको ऐसे शेप दे दूँगी, ठीक है। तो ये मेरा जो 15 इंच था, यहाँ से भी 15 इंच और आसन से भी 15 इंच, तो 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। इसको मैंने जो 10 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, उसके साथ इस तरीके से मिला देना है। तो ये मेरा इस तरीके से मैंने कपड़े में भी कटिंग करी है, तो सेम इसी तरीके से आप भी इसकी कटिंग करें, ठीक है। तो ये मैंने कट कर दिया। इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, वो मैंने 33 इंच की ली है, ठीक है। ऊपर हमारा 2.5 इंच 3 इंच की बेल्ट बढ़ेगी, और नीचे 2.5 इंच का पोंचा जुड़ेगा, तो हमारा 37 इंच तैयार आ जाएगी लेंथ सलवार की। तो ये जो कपड़ा बचा है, इससे मैंने ऊपर बेल्ट निकालनी है, ठीक है। 22 इंच की मैं बेल्ट निकालूंगी ऊपर, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ है वो 22 इंच की लूँगी, चौड़ाई में 6 इंच की लूँगी, क्योंकि फोल्ड करेंगे इसको, डबल फोल्ड करके लगाएंगे, तो 3 इंच की हमारी बेल्ट रह जाएगी, ठीक है। तो नीचे वाला कपड़ा भी मैंने कट कर लिया। अब इसको मैं कपड़े में आपको स्टिचिंग सिखाती हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने आसन स्टिच करने हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आसन स्टिच कर देने हैं, दोनों आसन स्टिच कर दूँगी, पक्की सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, दोनों आसन मैंने ये स्टिच कर दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से दोनों आसन स्टिच हो गए हैं। अब हमने बॉटम स्टिच करना है, तो बॉटम मैंने इस तरीके से लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे, ठीक है, प्लेन हिस्सा छोड़ेंगे, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में जाएगा, और उसके बाद हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक एक प्लेट को डालते जाना है। सॉरी, यहाँ पे धागा निकल गया मेरा। तो इस तरीके से हमने धागा डाल लेना है, और यहाँ पे हम एक एक प्लेट को डालते जाएंगे, और प्लेट हमने बिल्कुल साथ साथ रखनी है, जितना आपका कपड़ा है उसी हिसाब से रखें। वैसे जो मैंने मेज़रमेंट बताया है उसके हिसाब से आप इतनी इतनी प्लेट ही डालें, तो आपका पूरा पूरा मतलब 6.5 इंच का पोंचा आपका पूरा आएगा, और आधा इंच आपका जो सिलाई में मार्जिन है वो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारी जो चोने हैं वो डाल देनी है, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये सलवार बन के तैयार होती है, और आजकल तो बहुत ही ट्रेंड है इसका, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। दोनों साइडों से हमने एक एक इंच कपड़ा छोड़ दिया है, ठीक है, प्लेन। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करके देखेंगे, तो आपको मैं नाप के दिखा दूँ। ये देखिए, 6.5 इंच मेरा पोंचा है, ठीक है, और आधा इंच या 1/4 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है जो सिलाई में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने पोंचा 7 इंच का रखना है, तो आप एक एक चोन खोल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया, इसके ऊपर मैं ये नेट लगाऊंगी। ये मेरा जो शर्ट में है उसमें भी ये नेट लगी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने पोंचे में भी लगानी है। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं इसको स्टिच कर लूँगी। पहले प्लेन कपड़ा रखूँगी, उसके बाद नेट रखूँगी, ठीक है। पहले हम ये पार्ट इतने हिस्से को हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने चारों तरफ से इस तरीके से सिल देना है, ठीक है। तो ये मैंने चारों तरफ से सिल दिया है। अब जितना पोंचा हमने दिखाना है, जितना डिज़ाइन दिखाना है, उतना हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये नेट वाला जो डिज़ाइन है, इतना मेरा सामने आएगा, मतलब ये 2.5 इंच का डिज़ाइन है। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब हमने एक और प्लेन कपड़ा लेना है, इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखने के बाद इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर दिया। अब स्टिच करने के बाद इसको हम पलटा देंगे इस तरीके से,
ठीक है। इसको पलटाने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे, फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भी तैयार कर लिया है। अब हमने आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ रखते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर दिया। अब इस तरीके से इसको रखेंगे पोंचे को, और इसके ऊपर हमने सलवार की सीधी साइड ऊपर रखनी है। ठीक है, सीधी साइड ऊपर रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद हमने जो पोंचा हमने तैयार करा है उसको हम पलटा देंगे। ठीक है, ये मेरी सिलाई लग चुकी है। अब पोंचे को हम पलटा देंगे और जो डिज़ाइन है हमारा ऊपर वाली साइड में आ जाएगा। तो फिर से हमने एक सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से सलवार बन जाती है, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो ये देखिए मेरा एक पोंचा तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट कर देंगे और फिर हमने इसकी फिटिंग कर देनी है। अब दूसरा जो पोंचा है वो भी इसी तरीके से तैयार करना है। तो या तो आप जैसे मैंने पहले बताया था वैसे तैयार कर लें, या फिर आप इस तरीके से तैयार कर लें। पहले आप प्लेन कपड़ा रखें, फिर नेट रखें, फिर उसके बाद फिर प्लेन कपड़ा रखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैंने वो भी तरीका सिखा दिया है और ये भी सिखा दिया है। तो दोनों पोंचे मेरे बन के रेडी हो गए हैं। ठीक है, आप इसकी हमने फिटिंग कर देनी है। ठीक है, 6.5 इंच हमने इसकी मोरी रखनी है, उसके बाद हम इसकी फिटिंग कर देंगे। ठीक है, आसन से आसन को मैच करना है। दूसरी साइड से फिर से सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरी फिटिंग हो चुकी है। अब हमने बेल्ट तैयार करनी है। तो बेल्ट मैंने 23 इंच की रखी है, आधा आधा इंच मार्जिन में जाएगी तो 22 इंच तैयार हो जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 6 इंच की रखी है। दोनों साइडों से हमने इसको स्टिच करना है इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने दोनों साइडें स्टिच कर दी हैं। अब सलवार है जो, ये देखिए मैंने ऐसे 4 फोल्ड करके रखी हुई है, और इसका जो हमने 22 इंच हमने घेरा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से 11 इंच में मैंने निशान लगा लिया। ये जो कपड़ा बाकी बच रहा है यहाँ पे हमने 2-2 प्लेट डालनी है। ठीक है, आसन वाली साइड की तरफ 2-2 प्लेट डालेंगे। तो मैंने निशान लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे मैं 2-2 प्लेट डालूँगी। ठीक है, देखते जाएं आप, इस तरीके से आप भी डालेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्लेट मैंने डाल दी है एक साइड में। अब दूसरी साइड में भी डालेंगे, अंदर की तरफ डालेंगे 2 प्लेट हम। ठीक है, पहले हमने अपनी तरफ डाली और फिर हमने बाहर की तरफ डाली। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2 प्लेटें डाल लेनी है। अगर आपकी बेल्ट, अब आपका घेरा फिर भी ज़्यादा होता है तो बेल्ट से ज़्यादा होता है तो फिर आप चोन को थोड़ा सा खोल के और बढ़ा सकते हैं, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा कपड़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको चोने डाल देनी है। ठीक है, अब मैं इसको नाप के दिखाती हूँ आपको कितना है ये मेरा कपड़ा घेरा। इसका 22 इंच होना चाहिए क्योंकि बेल्ट हमारी 22 इंच की है। तो यहाँ पे ये देखिए 22.5 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चोन खोलूँगी। ठीक है, और खोलने के बाद थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ले लूँगी इस तरीके से, और फिर से इसको सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद फिर हमने बेल्ट फिट कर देनी है। तो आसन के साथ इस तरीके से हमने इसको जोड़ना है बेल्ट को। ठीक है, अब हम सिलाई लगा देंगे, पूरे घेरे में बेल्ट अटैच कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए बेल्ट अटैच हो गई है। अब हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है, और यहाँ पे इस तरीके से जहाँ पे हमारा जोड़ लगा हुआ है उसके ऊपर ऐसे रखते हुए बेल्ट को जोड़ देंगे। काफ़ी फिनिशिंग से बेल्ट जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये मेरी, ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे इलास्टिक के लिए, और इलास्टिक मैंने ली है 29 इंच की। ठीक है, तो मतलब डबल फोल्ड में थी 14.5 इंच की, वैसे सिंगल फोल्ड में 29 इंच की थी। तो इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, पक्का कर दिया है। जो खुला हिस्सा है उसको भी हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और इलास्टिक मेरी है 1 इंच की, और यहाँ पे जो बेल्ट डाली है मैंने 2.5 से 2.5 इंच की है। ठीक है,
जितनी हमारी इलास्टिक है उसके साथ साथ मैंने सिलाई लगाई है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए 2-2.5 इंच की बेल्ट है और 1 इंच पे मैंने सिलाई लगा दी है ताकि हमारी जो इलास्टिक है अच्छे से लग जाए। ठीक है, तो इस तरीके से चारों तरफ से खींचेंगे हम और हमारी जो जो इलास्टिक है एक जगह टिकी रहे, इस तरीके से हमने ऊपर से भी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद हमारी सलवार कंप्लीट हो जाती है, ये देखिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।